हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, बच्चा जैसे ही 3-4 मंथ्स का होता है, बहुत से लोग बच्चे को बिस्किट देना शुरू कर देते हैं और हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चे को कब से बिस्किट देना चाहिए और बच्चे को बिस्किट देना सेफ है या नहीं। तो आज इस वीडियो में बच्चे के बिस्किट से सारे क्वेश्चन के आंसर हम कवर करेंगे, जिसमें मेनली क्वेश्चंस हैं जैसे बच्चे को बिस्किट छोटी एज में क्यों नहीं देना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, डॉक्टर्स बच्चे को बिस्किट देने के लिए क्यों मना करते हैं। सेकंड, किस एज में बच्चे को बिस्किट देना हम शुरू कर सकते हैं। थर्ड, किस तरह के बिस्किट बच्चे को हम दे सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे को बिस्किट क्यों नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, जनरली जो मार्केट से बिस्किट बने होते हैं वो मैदा के बने होते हैं, और मैदा हम जानते हैं बड़ों के लिए भी हानिकारक है, तो बच्चों के लिए तो कितनी ज़्यादा हानिकारक होगी। बच्चे की आंतें पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, जिसकी वजह से मैदा को पचाने में उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, इसलिए मैदा बच्चों के लिए हानिकारक होती है। दूसरा, बिस्किट जो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसमें ट्रांस फैट्स ज़रूर मिले होते हैं। ये एक तरह का फैट होता है जो प्रोसेस्ड फूड में यूज़ किया जाता है। इसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। इससे बच्चों को कई तरह की प्रॉब्लम, जैसे आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, मोटापा हो सकता है, डायबिटीज़ तक हो सकती है, इसलिए ये ट्रांस फैट्स बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिस्किट में चीनी काफ़ी ज़्यादा होती है, और हम जानते ही हैं कि 1 साल से पहले बच्चे को चीनी अवॉइड करनी चाहिए, इसलिए ये बिस्किट अगर हम 3-4 मंथ के बच्चे को दे देंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट है, बिस्किट खाने से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। इससे बच्चे का सिर्फ पेट भरता है, बट उसको कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती। बच्चे का पेट भर जाता है बिस्किट खाने से, जिससे बच्चा कुछ अच्छी चीज़ नहीं खाता है। जब हम उसे ऑफ़र करते हैं कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीज़, जैसे कि हम उसे अगर देते हैं प्यूरी या कुछ फ्रूट्स, तो वो बच्चा नहीं खाता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। इसलिए ये बच्चे के लिए कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते बिस्किट्स। अब बात करते हैं कि बच्चे को बिस्किट हम कब से दे सकते हैं। तो जो मार्केट में पैकेट बिस्किट आते हैं, वो जितना हम अवॉइड कर दें उतने अच्छे होते हैं, लेकिन आपको देना है तो 1 साल के बाद से आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन घर के बने हुए बिस्किट 9 मंथ से आप बच्चे को देना शुरू कर सकते हैं। घर के बिस्किट बनाने के लिए आपको गेहूं का आटा यूज़ करना होगा, साथ में आपको चीनी की जगह गुड़ का यूज़ करना होगा। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, बच्चे को ये खाने से न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिलती है। और आप मार्केट में मिलने वाले ऑर्गेनिक बिस्किट भी बच्चे को दे सकते हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक बिस्किट अगर आप बच्चे को देते हैं और आटे के बने हुए बिस्किट, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए भी। तो आटे से बने हुए हेल्दी बिस्किट आप बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।